हेलो। तो जो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में विस्थापन विक्रिया के बारे में, हमने पढ़ा था। जो चैप्टर हमारा चल रहा है धातु वाला पदार्थ है, धातु और अधातु, तो उसमें बारे में हमने क्या पढ़ा था, विस्थापन विक्रिया बारे में। और ये जो कंप्लीट हो गया रासायनिक अभिक्रिया धातु अधातु की, अब अंतिम टॉपिक जो चल रहा है चलेगा हमारा, वो है क्या धातु है धातु के क्या है उपयोग। क्या है अंतिम टॉपिक? धातु के उपयोग और है धातु के उपयोग। पहले करते हैं हम धातु के उपयोग, धातु तथा है धातु के उपयोग। क्या करते हैं धातु है धातु के उपयोग? धातु है धातु के उपयोग करते हैं, उनमें जो पहला है धातु के उपयोग के बारे में। तो धातु के बारे में जो हम जानते हैं, जैसे कि धातु दैनिक जीवन में जो भी प्रकार की मशीनें हैं, जो जितनी भी प्रकार की मशीनें हैं हम आसपास देखते हैं, वो क्या है? धातु की बनी होती हैं मशीनें। मशीनें किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है। जो गाड़ियाँ देखते हैं, मोटरसाइकिल मोटर गाड़ियाँ, वो भी क्या है? धातुओं की बनी होती हैं। दो नंबर जो चीज़ है वो है क्या है? मोटर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल मोटर गाड़ियाँ, ये भी क्या है? धातुओं की बनी होती है। और जो वायुयान है, एरोप्लेन वायुयान, वो भी क्या है? हमारा धातु का बना होता है। सारी चीज़ धातु की भले ही नहीं हो, लेकिन अधिकांशतः जो चीज़ बनी होती है वो धातु की बनी होती है। और जो हमारी रेलगाड़ियां हैं, चार ट्रेनें रेलगाड़ियां, वो भी क्या है? धातु की है। अलग अलग धातु का उपयोग किया जाता है रेलगाड़ी में, रेलगाड़ियां हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे औद्योगिक सामान है, औद्योगिक सामान बहुत सारे, औद्योगिक साजो सामान भी क्या है? हमारे धातु के बने होते हैं। जितने उपकरण हैं, खाना बनाने के पात्र या बर्तन, खाना बनाने के पात्र, खाना बनाने के पात्र या तो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, खाना पकाने के पात्र, ये भी क्या है? धातु से मिलकर बने होते हैं। आपको ये ध्यान नहीं देना कौन सी धातु से मने होते हैं। और बहुत सी चीज़ें, जैसे जो ब्रिज है उनमें जो लोहे के उपकरण काम आते हैं, पंखा जो फैन है वो भी हमारे लोहे का है, लोहे का नहीं धातु का बना हुआ है। आजकल जो गेट है हमारे एल्यूमिनियम के बने होते हैं, वो भी हमारे धातु के हैं एल्यूमिनियम। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो धातु के बनी होती है। आपको एक उदाहरण देते हैं, जब भी हम ब्याह शादी में हम देखते हैं, जो रोटियां लपेटी होती है, एक सिलकना कागज होता है उसमें लपेटी होती है, वो कागज भी धातु का बना होता है, उसका नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु का बना होता है वो कागज। और जैसे सोना चांदी क्या है? आभूषण बनाने में भी क्या है? धातु काम आते हैं। क्या है? आभूषण बनाने में भी क्या है? धातु का काम है, क्योंकि सोना चांदी क्या है? धातु है। आभूषण बनाने में भी काम आती है हमारे धातु, जैसे सोना चांदी। और हमारे बर्तन हैं, कांसे का बर्तन, ये सब चीज़ है जो हमारे धातु की बनी होती हैं। जैसे जो कृषि के उपकरण हैं, जो कृषि के जो उपकरण हैं हमारे, हल हुआ, ये आदि में क्या होती? धातु होती है। अधिकांशतः हमारे जीवन में जो वस्तुएं हैं वो क्या है? धातु, कहीं ना कहीं उन वस्तुओं में धातु है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो आपके आसपास है आप उसको लिख सकते हैं, वो सब क्या है? धातु से निर्मित है। अधिकांशतः उपयोग धातु का ही हम अपने जीवन में करते हैं। हम चारों ओर से धातुओं से ही घिरे रहते हैं। तो धातु के उपयोग, तो ये सामान्य उपयोग बता दिए जो महत्वपूर्ण उपयोग थे। आप अपने दिन में जो भी देख रहे हैं आसपास वो सब उपयोग लिख सकते हैं इसमें। अब बात आती है अधातु की।
ए धातु के उपयोग, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है धातु के, क्योंकि सभी बहुत ही कुछ धातु के उपयोग ही से हम परिचित होंगे इसमें, क्योंकि सभी धातुएँ हैं जो वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ धातुएँ जो अति महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक, सबसे आवश्यक धातु है जिसे हम सभी संजीव अपने श्वसन के दौरान लेते हैं, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन है वो गैस क्या है, धातु गैस है ऑक्सीजन। बात करते हैं ऑक्सीजन, हमारे जीवन के लिए धातु महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सभी संजीव है वो संजीव मनुष्य पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस को श्वसन के दौरान लेते हैं। तो जो ए धातु है आप लिख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, वो धातु दी नहीं है तो वो ए धातु होगी हमारी, ऑक्सीजन गैस उपयोग में आती है। आग जलाने के लिए आवश्यक ए धातु वो भी ऑक्सीजन है, प्राणवायु है ऑक्सीजन। तो ये ए धातु के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट चीज है ए धातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधे की वृद्धि हेतु किया जाता है, उर्वरकों के रूप में भी किया जाता है, उर्वरकों के रूप में क्या, ये प्राणवायु श्वसन में उपयोग। तो ए धातु का उपयोग क्या, ए धातु जिनका उपयोग उर्वरकों के रूप में, ये उर्वरकों के रूप में पौधे की उर्वरकों के रूप में पौधों की वृद्धि हेतु उपयोग किया जाता है, हेतु उपयोग। ऐसे पौधों की वृद्धि के लिए जो उर्वरक है उनमें भी हम क्या करते हैं, धातु का उपयोग करते हैं। वो है धातु जो पौधे की वृद्धि के लिए, वो है नाइट्रोजन। वो कौन सी है, नाइट्रोजन, कौन सी है धातु, नाइट्रोजन है धातु। पौधे की वृद्धि हेतु जो उर्वरकों के रूप में हम देते हैं वो नाइट्रोजन होती है, या जो दूसरी है धातु होती है फास्फोरस भी बहुत ही कम, वो भी हम उर्वरकों के रूप में उपयोग कर देते हैं, फास्फोरस है धातु। जो ए धातु का उपयोग उर्वरकों के रूप में किया जाता है, ये ऊपर पौधों की वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस ऐसे ए धातु जो उर्वरकों के रूप में उपयोग होते हैं, जो हम पाठ्य पुस्तक में लिख सकते हैं। ए धातु का उपयोग पानी के शुद्धिकरण में भी किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में। तीन नंबर, ए धातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में भी करते हैं, में भी किया जाता है। ऐ धातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है, वो ऐ धातु है, वो है क्लोरीन। क्लोरीन ऐ धातु है, उसका उपयोग हम किसमें करते हैं, जल के शुद्धिकरण में करते हैं। उच्च कक्षाओं में आप इसका विस्तृत से अध्ययन करेंगे, किस प्रकार क्लोरीन जल का शुद्धिकरण करता है। और ऐ धातु होता है एक बैंगनी रंग का एंटीबायोटिक सोल्यूशन होता है, जिसको घाव पर लगाया जाता है ताकि कोई कीटाणु अधिक प्रभाव ना पड़े, उनमें भी क्या होते हैं हमारे ए धातु। चार नंबर जो है वो एंटीबायोटिक जो बैंगनी रंग का होता है, लाल दवा उसमें होती है, बैंगनी रंग का होता है, उसमें भी हम किसका उपयोग करते हैं, ए धातु का उपयोग किया जाता है पटाखों में। पांच नंबर जो पटाखों में भी क्या करते हैं, पटाखों में भी ए धातु का प्रयोग किया जाता है, पटाखों में प्रयुक्त ए धातु का उपयोग किया जाता है। जो माचिस की तिल्ली है, माचिस में भी ए धातु का उपयोग किया जाता है, वो है ए धातु फास्फोरस। फास्फोरस ए धातु का उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है, रोगन होता है वो किसका बना होता है, फास्फोरस का बना होता है। अब जो आपके लिए प्रश्न उठता है कि पादप
जो पेड़ पौधे हैं उनमें मैग्नीशियम पाया जाता है, अमजी मैग्नीशियम। अब जो प्रश्न है, ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में श्वसन के दौरान हम ऐ धातु का उपयोग करते हैं, वो ऑक्सीजन है। पादप वृद्धि तो जो उर्वरक बनाए जाते हैं उनमें भी ऐ धातु होती है, वो नाइट्रोजन होती है हमारी, नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है। और जल के शुद्धिकरण में जो ऐ धातु होती है वो क्लोरीन होती है। एंटीबायोटिक के रूप में भी हम ऐ धातुओं का उपयोग करते हैं, और जो पटाखों में भी हम किसका उपयोग करते हैं धातु, और माचिस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है हमारा ऐ धातु का, वो ऐ धातु है फास्फोरस। अब बात आती है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, मैंने सुना है कि पौधे में भी मैग्नीशियम होता है, पौधे में भी क्या होता है मैग्नीशियम, पौधों में भी मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है पौधे में भी, यानी हम जी मैग्नीशियम, तो ये सही बात है। मैग्नीशियम पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, वो प्रणहित यानी क्लोरोफिल, प्रणहित हरित लवक जिसे कहते हैं, हरित लवक, हरित लवक यानी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, एमजी पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम होता है वो है मैग्नीशियम संकुल के रूप में पाया जाता है, मैग्नीशियम का एक संकुल पाया जाता है। संकुल के बारे में आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, मैग्नीशियम का एक संकुल पाया जाता है जिसमें क्या होता है मैग्नीशियम होता है, इसलिए वो मैग्नीशियम क्लोरोफिल के रूप में होता है जो भोजन बनाने के लिए आवश्यक है हरे पौधे के लिए। तो पौधों में भी क्या है मैग्नीशियम पाया जाता है। अब एक बच्चे ने पूछ लिया कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे अंदर आयरन की कमी है यानी लोहा अफी की कमी है, तो क्या मेरे शरीर में लोहा है? हाँ ज़रूर है। मानव शरीर में, शरीर में आयरन पाया जाता है, आयरन यानी अफी लोहा कह सकते हैं जिसे पाया जाता है। पालक की सब्जी खाने के लिए क्यों कहा जाता है कि आयरन मिले बच्चों? आयरन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन। हमें जो प्रश्न पूछा जाता है कितना ग्राम खून है, वो हीमोग्लोबिन होता है, उसमें ही हमें क्या पाया जाता है? फी आयरन, हीमोग्लोबिन, जो किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। किस में? रक्त में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन रक्त में क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है, ले जाने और लाने का काम करता है, CO2 को भी लाने ले जाने का काम करता है कोशिका तक। ऑक्सीजन को फेफड़ों से कहाँ ले जाता है? कोशिकाओं में, और CO2 को वहाँ से फेफड़ों में पुनः ले जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो किसके रूप में पाया जाता है? आयरन संकुल के रूप में पाया जाता है, यानी एक पिंजरे रूपा संरचना के रूप में पाया जाता है, संकुल के रूप में पाया जाता है। आयरन संकुल के रूप में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, इसलिए जो हमें कहा जाता है कि पालक की सब्जी खानी चाहिए। हमने आवसानी को देखेंगे कक्षाओं में, तो जो धातु, जो जितने भी जो तत्व है, जो तत्व हमारे हैं तत्व, उनको तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें दो भागों में हमने पढ़ लिया। एक धातु, अधिकांशतः जो पदार्थ होते, तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। और बाकी जो बच गए वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। और तीन नंबर पर रह गई, वो बाकी रह गए वो उपधातु होते हैं। क्या हो गए? उपधातु। इन तीन भागों में बांटा है, अधिकांशतः तत्व धातु होती है, लेकिन जो बच गए वो धातु अधातु में बांटा गया है। उपधातु जो होता है उसमें क्या होता है? धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु अधातु दोनों के क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। धातु अधातु दोनों के गुण रखते हैं, वो उपधातु। तो ये जो चैप्टर हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो गया है, धातु और अधातु के बारे में। दैनिक जीवन में जो भी उपयोग है, हम अपने दैनिक जीवन के भी उपयोग लिख सकते हैं, लेकिन हमने महत्वपूर्ण उपयोग बता दिए हैं। अब भी कि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हम अगले भाग में करेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें तथा इस चैप्टर का पूरा रिवाइज करें। नेक्स्ट भाग में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, और फिर इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।